हे एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और हम वापस आ गए एक ब्रांड न्यू लेक्चर के साथ। तो ये है लेक्चर नंबर 6, जहां पे हम लोग बात करेंगे मनी सप्लाई इन इंडिया के बारे में। ठीक है, तो समय की बर्बादी ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। और अगर आपको हमारे वीडियोस सीरीज पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाकर मुझे ये बताना मत भूलना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाने के लिए। तो सबसे पहला सवाल आता है कि आज हम बात क्या क्या करेंगे। तो आज हम जो जो चीज़ें पढ़ेंगे वो होंगी रिजर्व मनी। रिजर्व मनी क्या होता है, क्योंकि देखो मनी का जो बेसिक्स है वो सबको पता है। यहाँ पे हम लोग बहुत सुपर फास्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करेंगे। बात करेंगे मनी मल्टीप्लायर के बारे में, जिसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब चीज़ें मनी मल्टीप्लायर से लिंक्ड हैं। कि अगर 100 रुपये का नोट आता है मार्केट में तो वो कैसे 1000 रुपये जनरेट करता है। और लास्ट में बात करेंगे लिक्विडिटी के बारे में, क्योंकि लिक्विडिटी से ही बनती है हमारी सारी पॉलिसी, चाहे वो RBI के मॉनिटरी रेट्स हो या हमारे गवर्नमेंट का बजट हो। तो स्टार्ट करते हैं मनी सप्लाई इन इंडिया से। देखो मनी सप्लाई होता क्या है, पैसों का सप्लाई क्या होता है। पैसा सबकी जेबों में होता है, पर उसका सप्लाई क्या होता है। देखो मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल सप्लाई ऑफ मनी इन सर्कुलेशन इन अ गिवन कंट्रीज इकोनॉमी। जो टोटल सप्लाई है मनी का, चाहे वो हमारा पैसा बैंकों में डिपॉजिट है, बैंकों से हम लोग उधार ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, या हम लोग कहीं से इनकम ले रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं, वो जितना भी पैसा होता है जो कि सप्लाई के अंदर है, एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफर होता जा रहा है, उस टोटल मनी को कहते हैं हम लोग मनी सप्लाई इन इंडिया। साथ ही जो मनी सप्लाई होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा इन्फ्लेशन होता है, जो हमारे जनरल प्राइस जो होते हैं वो बढ़ने लगते हैं, उनको कंट्रोल करने में लोगों हमारी जो गवर्नमेंट होती है, RBI होती है, इकोनॉमिस्ट होते हैं, उनकी मदद करता है समझने में कि इन्फ्लेशन क्यों हो रहा है, कैसे हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। साथ ही मनी सप्लाई से जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो एनालाइज करते हैं कि किस तरीके से सरकार को अपनी पॉलिसी बनानी चाहिए, कैसे इंटरेस्ट रेट होने चाहिए, और जो अमाउंट ऑफ मनी फ्लो है वो इंक्रीज होना चाहिए या डिक्रीज होना चाहिए, डिवेल्यूएशन इवेल्यूएशन, सारी की सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं सिर्फ एक चीज़ से, जिसका नाम है मनी सप्लाई। साथ ही मनी सप्लाई का जो डेटा होता है उसे कलेक्ट किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, पब्लिश किया जाता है पीरियडिकली बाय आर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं रिजर्व मनी। ठीक है, रिजर्व मनी याद रखना। रिजर्व मनी क्या होता है, वो मनी सप्लाई जो कि टोटल हमारे देश में इस समय चल रही है, उसको हम डिनोट करते हैं एक वर्ड से, जिसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व मनी। देखो अगर हम लोग NCERTs की बात करें तो NCERT में इस तरीके के चार्ट आते हैं कि मनी सप्लाई हम लोग M1, M2, M3 या ML1 के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलो इनके बारे में देख लेते हैं, फिर वापस आएंगे एक शॉर्ट चार्ट के ऊपर कि क्या होते हैं M1, M2, M3 एंड ML1 और साथ में M0। तो आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं कि पैसे की क्रिएशन असलियत में होती कैसे है, देश में पैसे चलते कैसे हैं, आगे बढ़ते कैसे हैं। तो सबसे पहले हमें याद रखना है हर एक देश का होता है सेंट्रल बैंक। तो हमारे पास भी है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसके गवर्नर हैं हमारे उर्जित पटेल। तो जो सेंट्रल बैंक होता है वो लोन एक्सटेंड करता है कमर्शियल बैंक को, न्यू कमर्शियल बैंक जो मनी होता है वो क्रिएट किया जाता है, और जो सेंट्रल बैंक होता है वो हमारी सरकारों को भी पैसा देता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो RBI करता है। तो मान लो RBI ने पैसे दिए किसको, SBI को। तो SBI कमर्शियल बैंक, एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, और भी हमारे बहुत सारे बैंक्स हैं। तो इस तरीके से RBI पैसा देता है बैंक्स को, और बैंक से फिर हम लोग जो आम आदमी होते हैं वो उधार लेते हैं बैंक से पैसा, या बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं। उससे क्या होता है, एक सप्लाई चेन क्रिएट हो जाती है। साथ ही जो लोन होता है उसको हमें पे बैक करना पड़ता है इंटरेस्ट के साथ, तो उस वजह से जो बैंक होता है वो भी पैसे कमाता है। तो आम आदमी का जो टोटल जो पैसा होता है उसके पास, उसकी मदद से ही मनी सप्लाई को क्रिएट किया जाता है मल्टीप्लाइड रूप में। तो स्टार्ट करते हैं M0 के साथ कि M0 क्या होता है। देखो M0 के अंदर हम लोग तीन चीजें ऐड करते हैं, मतलब M0 के अंदर सब कुछ आता है, कुछ भी नहीं छूटता है जो कि मनी सप्लाई में है। इसके अंदर पहली चीज आती है करेंसी इन सर्कुलेशन, मतलब
जो सर्कुलेशन में करेंसी है, जो आम आदमी के पास पैसा है, चाहे वो सर्कुलेट हो रहा है, उसने लोन रखा है कहीं पे पैसा दिया है, उसको इनकम मिली है, वो सारी की सारी चीज़ें गिनी जाती हैं करेंसी इन सर्कुलेशन के अंदर। तो जो आम आदमी के पास पैसा होता है, चाहे वो कोई भी हो, एक पुलिस वाला हो या फिर एक आम आदमी हो, एक ना काम करने वाला आदमी हो, उसके जेब में भी कुछ पैसे होते हैं, तो वो सारा का सारा पैसा होता है करेंसी इन सर्कुलेशन में। साथ ही जो बैंक्स होते हैं वो आरबीआई के अंदर भी अपने पैसे डिपॉजिट करते हैं रिजर्व रेशियोज़ के रूप में, और भी आरबीआई के पास बहुत सारे डिपॉजिट होते हैं, चाहे वो फॉरेक्स रिजर्व्स के रूप में हो या गवर्नमेंट के क्रेडिट के रूप में हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आरबीआई के पास डिपॉजिट के रूप में होती हैं, ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें भी यहाँ पर गिनी जाती हैं। तो मतलब जो आम आदमी के पास पैसा है और जो करेंसी इन सर्कुलेशन है, अगर उसके साथ हम लोग वो सारी की सारी चीज़ें ऐड कर दें जो कि आरबीआई के पास भी हैं पैसे, उन चीज़ों को अगर मिला दें तो बनता है हमारा M0। साथ ही याद रखना, जो अदर बैंक डिपॉजिट्स होते हैं उनके साथ साथ हम लोग अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई ऐड करते हैं। तो जो अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई होता है वो होता है नेट आरबीआई क्रेडिट टू द गवर्नमेंट प्लस आरबीआई क्रेडिट टू द कमर्शियल सेक्टर प्लस आरबीआई क्लेम ऑन बैंक प्लस आरबीआई नेट इस फॉरेन असेट्स, कि फॉरेन असेट कितने बड़े हैं आरबीआई पे, साथ ही गवर्नमेंट की करेंसी लायबिलिटी टू द पब्लिक, पर इसमें से माइनस कर दिया जाता है आरबीआई नेट नॉन मॉनिटरी लायबिलिटीज। तो आरबीआई की भी कुछ लायबिलिटीज होती हैं जो उसे वापस देनी होती हैं, तो उस चीजों को हम लोग माइनस कर देते हैं। इन अदर वर्ड्स, जो M0 होता है वो मोस्ट लिक्विड मेजर होता है मनी सप्लाई का। ये लाइन याद रखना, सबसे लिक्विड मेजर होता है मनी सप्लाई का M0। इट ओनली इंडिकेट्स कैश और एसेट दैट कुड क्विकली बी कन्वर्टेड इनटू करेंसी, ठीक है। साथ ही दिस मेजर इज नोन एज नैरो मनी। इस चीज को ही हम लोग बोलते हैं नैरो मनी। इसका रीजन ये है क्योंकि इट इज द स्मॉलेस्ट मेजर ऑफ द मनी सप्लाई। बढ़ते हैं M1 की तरफ, ठीक है। हमने अब M0 पढ़ लिया, अब M1 पढ़ेंगे। देखो, M1 के अंदर हम लोग जो चीज़ें ऐड करते हैं वो होता है करेंसी विद पब्लिक, जो हमारे पास M0 में भी थी कि आम आदमी की जेबों में कितना पैसा है, चाहे वो नोटों की फॉर्म में हो या सिक्कों की फॉर्म में हो, चाहे वो हमारे मतलब हमारे चाहे वो नोट्स हों या हमारी जो कॉइन करेंसी होती हैं वो हो। तो करेंसी विद पब्लिक, उसके साथ अगर हम लोग ऐड कर दें डिमांड डिपॉजिट्स को, तो हम लोग बैंक्स में जाते हैं, कुछ अपने पैसे जमा करा देते हैं। दो तरीके से पैसे जमा होते हैं, एक होता है डिमांड डिपॉजिट और एक होता है हमारा टाइम डिपॉजिट। तो जो डिमांड डिपॉजिट होता है उसका मतलब क्या होता है, वो पैसा होता है हम जब चाहें बैंक से वो पैसा निकाल सकते हैं, हमारे ATM के थ्रू, हमारे चेक के थ्रू, हमारे जो DD होते हैं उनके थ्रू। तो उन पैसों को हम लोग बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट होता है वो हम लोग अक्सर दो अकाउंट में जमा करते हैं, जैसे हमारा होता है करंट अकाउंट और हमारा होता है सेविंग्स अकाउंट। तो याद रखना, करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक्स बन के मिलाते हैं M1। तो जो M1 होता है उसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच है वो, पर उसको हम लोग बोलते हैं नैरो मनी। तो अभी तक हमने पढ़ लिया M1 के बारे में, अब M1 से हम लोग जाएंगे M3 की तरफ। M2 को बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे M3 को। तो M1 जो था मतलब हमारा नैरो मनी, उसके अंदर हमने जोड़े थे करेंसी विद पब्लिक और हमारे डिमांड डिपॉजिट जो कि हमने करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट्स के अंदर रखे थे बैंक्स के अंदर। अब अगर इसके अंदर हम लोग ऐड कर दें एक और चीज़ जो कि है हमारी टाइम डिपॉजिट विद दी बैंक्स, मतलब बैंक्स के पास जो टाइम डिपॉजिट होते हैं, जो हम लोग हमारी फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे मैच्योर होके ही हमें वापस मिलते हैं। ये हमारे रीअकरिंग डिपॉजिट्स होते हैं जो कि एक टाइम बाउंड डिपॉजिट्स होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक। तो मतलब बैंक्स के पास जितना भी डिपॉजिट था उसको हमने ऐड कर दिया करेंसी विद पब्लिक के साथ, तो हमें फाइनली जाकर मिला M3। M3 के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जो कि एग्जामिनेशन में पूछी जाती है कि M3 का दूसरा नाम क्या है। देखो, M3 मॉडर्न अप्रोच के अंदर आता है। M3 की मदद से ही हम लोग आजकल अपनी मनी सप्लाई को कैलकुलेट करते हैं और M3 को हम बोलते हैं हम लोग ब्रॉड मनी। तो हमने अभी तक बात करी M1 और M3 के बारे में, बढ़ते हैं M2 की तरफ। तो जो हमने M1 में चीजें ली थी उनको रखते हैं अपने हाथों में फिर से, मतलब करेंसी विद पब्लिक और डिमांड डिपॉजिट जो कि बैंकों में जमा कराए हमने करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट्स के अंदर। अब इसके अंदर हम लोग ऐड कर रहे हैं कुछ पैसे,
देखो जो पोस्ट ऑफिसेज होते हैं हमारे, उनके अंदर हम लोग दो तरीके से पैसे जमा कर सकते हैं, सिमिलरली जैसे हम लोग बैंक्स में करते हैं, मतलब टाइम डिपॉजिट्स भी होते हैं और डिमांड डिपॉजिट्स भी होते हैं। टाइम डिपॉजिट हम लोग फिक्स डिपॉजिट्स के रूप में जो जमा कराते हैं, और जो हमारे डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं, मतलब जब चाहो उनमें से पैसा निकाल लो, उनको हम लोग बोलते हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट्स। तो जो सेविंग डिपॉजिट्स होते हैं, यहाँ पे हम सिर्फ उन्हें ही लेंगे, मतलब M1 के साथ ऐड करो पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट्स, जिसकी हमें इस तरीके से पासबुक मिलती है, सेविंग बैंक पासबुक। तो हमारे सामने निकल कर आता है वो चीज़ जिसकी हम बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, मतलब M2। तो आगे बढ़ते हैं, हमने पढ़ लिया M1, M2, M3, बात करते हैं M4 के बारे में, देखते हैं M4 की तरफ हम लोग कैसे पहुंचेंगे। तो बात करेंगे पहले M3 के बारे में। तो हमने जो पहले के जो तीनों निकाले, वहां पे हमने M1 की मदद से निकाले थे, तो M3 भी M1 की मदद से आया था, जब हमने नैरो मनी के साथ या M1 के साथ हमारे टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक, जिनको हम लोग फिक्स डिपॉजिट के रूप में जमा कराते हैं या हमारे रिकरिंग डिपॉजिट्स के रूप में जमा कराते हैं, उनको ऐड किया था, तो हमारे सामने आ गया था M3। अब हम लोग इसी के साथ साथ ऐड करेंगे पोस्ट ऑफिस की सारी चीज़ें। पर यहाँ पर देखो, जो मैंने बताया था कि पोस्ट ऑफिस में दो तरीके के डिपॉजिट्स होते हैं, यहाँ पर वो दोनों तरीके के डिपॉजिट्स को ऐड किया जाएगा, मतलब यहाँ पे होंगे पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स, चाहे वो फिक्स्ड हैं या वो सेविंग्स हैं। तो मतलब यहाँ पर हमने टोटली सारा ऐड कर दिया, जितना भी पैसा हमारी कंट्री में घूम रहा है। टोटली जब हमने M3 के अंदर ऐड किया पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स, तो हमारे सामने निकल कर आया M4। तो आगे बढ़ते हैं, हमने पढ़ लिया M1, M2, M3, बात करते हैं M4 के बारे में, देखते हैं M4 की तरफ हम लोग कैसे पहुंचेंगे। तो बात करेंगे पहले M3 के बारे में। तो हमने जो पहले के जो तीनों निकाले, वहां पे हमने M1 की मदद से निकाले थे, तो M3 भी M1 की मदद से आया था, जब हमने नैरो मनी के साथ या M1 के साथ हमारे टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक, जिनको हम लोग फिक्स डिपॉजिट के रूप में जमा कराते हैं या हमारे रिकरिंग डिपॉजिट्स के रूप में जमा कराते हैं, उनको ऐड किया था, तो हमारे सामने आ गया था M3। अब हम लोग इसी के साथ साथ ऐड करेंगे पोस्ट ऑफिस की सारी चीज़ें। पर यहाँ पर देखो, जो मैंने बताया था कि पोस्ट ऑफिस में दो तरीके के डिपॉजिट्स होते हैं, यहाँ पर वो दोनों तरीके के डिपॉजिट्स को ऐड किया जाएगा, मतलब यहाँ पे होंगे पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स, चाहे वो फिक्स्ड हैं या वो सेविंग्स हैं। तो मतलब यहाँ पर हमने टोटली सारा ऐड कर दिया, जितना भी पैसा हमारी कंट्री में घूम रहा है। तो टोटली जब हमने M3 के अंदर ऐड किया पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स, तो हमारे सामने निकल कर आया M4। तो वापस आते हैं हमारी फर्स्ट वाली स्लाइड के पास, जब हम लोग बात कर रहे थे मनी सप्लाई इन इंडिया के बारे में। देखो, जो अगर हम लोग एनसीईआरटी की बात करें, तो एनसीईआरटी में इस तरीके का डायग्राम दिया हुआ है, इस तरीके का मैप दिया हुआ है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन कर दी है। ये आपके लिए शॉर्टकट है रिवीजन के लिए कि मनी सप्लाई होता क्या है, M1, M2, M3 और M4। और याद रखना है, M1 होता है हमारा नैरो मनी और M3 होता है हमारा ब्रॉड मनी। तो चलो आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, वो है मनी मल्टीप्लायर। इसे समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, तो एग्जाम्पल को समझते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत मजा आने वाला है। तो देखो, मान लो जो तीन लोग हैं आम आदमी, उन्होंने उनके पास थे 100 रुपये, तीनों ने मिलकर 100 रुपये कमाए, और 100 रुपये उन्होंने सोचा कि हम क्या करेंगे, बाद में इस्तेमाल कर लेंगे, तो उन्होंने अपने जनधन खाते में उन्हें जमा कराने की सोच ली। अब उनके जनधन खाते थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर, तो वो गए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास, अपने 100 रुपये जमा करा दिए। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सारे के सारे पैसे तो आगे लोन पे नहीं दे सकता, क्यों? क्योंकि जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, वो कुछ रिजर्व रेशियोज डिफाइन करता है, चाहे वो SLR के रूप में हो या CRR के रूप में हो, मतलब वो पैसे SBI को अपने पास रखने पड़ेंगे, और उसमें से 100 रुपीज में से कुछ पैसा अपने पास रखना होगा, और बाकी पैसे को ही लोन में दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जो रिजर्व रेशियो है वो इस सिचुएशन में रखा गया 10% का, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने पास कितने रुपये रखेगा? 10 रुपीज़। तो उसने 10 रुपीज़ को अपने पास रख लिए, और जो बचे हुए 90 रुपये थे, वो उसने सोचा कि जो भी जिसको भी लोन की रिक्वायरमेंट होगी, मैं उसको दे दूंगा। तो हमारे जो तिवारी जी हैं, वो आए, उन्होंने बोला कि मेरे को लोन की रिक्वायरमेंट है, आप मुझे 90 रुपीज़ दे दीजिए। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 90 रुपीज़ का लोन दे दिया तिवारी जी को। तो अब तक जो हमने सिचुएशन पढ़ी, उसमें एंड में तिवारी जी ने 90 रुपीज़ ले लिए थे। अब जो हमारा रिक्शे वाला है, एक आया, उसने बोला तिवारी जी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पैसों की, आप प्लीज़ मुझको पैसे दे दो।
तो फिर तिवारी जी ने सोचा कोई बात नहीं यार, मैं तो फिर से कमा लूंगा अपने कच्चे बनियान के बिजनेस से, तो मैं उस रिक्शे वाले को जो पैसे हैं वो दे देता हूँ। तो रिक्शे वाले को 90 रुपीज़ दे दिए गए। तब रिक्शे वाला था चालाक, उसने उस 90 रुपीज़ को करा दिया बैंक में जमा, क्योंकि उसके पास भी था एक जनधन खाता जो कि ICICI बैंक के अंदर था। तो ICICI बैंक के अंदर उसने अपने जो 90 रुपीज़ थे उसको जमा करा दिया। अब तक जो हमारी सिचुएशन हुई हम उसमें निकालेंगे, हमने जो पढ़ा था पीछे M1। तो M1 क्या होता था? करेंसी विद पब्लिक, जो आम आदमी की जेबों में पैसा है, प्लस डिमांड डिपॉजिट जो कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के रूप में हमने जमा कराया हुआ है। अब इस सिचुएशन में सोचो M1 क्या होगा, करेंसी विद पब्लिक कितनी रही? तो शुरू में जो 3 लोग थे उनके पास 100 रुपये थे, उन्होंने अपने पैसे SBI में जमा करा दिए, तो उनके पास करेंसी कितनी है? जीरो। तिवारी जी ने 90 रुपीज़ का लोन तो लिया था पर वो उन्होंने रिक्शे वाले को दे दिया, तो उनकी जेब में पैसे कितने हैं? जीरो। साथ ही जो रिक्शे वाला है उसकी जेब में जो 90 रुपये थे उसने ICICI बैंक में जमा करा दिए, तो उसकी जेब में पैसे कितने हैं? जीरो। तो मतलब आम आदमी की जेब में सिचुएशन में एंड में कोई पैसा नहीं बचा है, तो करेंसी विद पब्लिक हो जाता है जीरो। साथ ही हम इसके साथ ऐड करेंगे हमारे बैंक्स में कितने पैसे हैं। तो देखो इसको ऐसे समझो, बैंक के हिसाब से जो बैंक के पास पैसे हैं वो कितने हैं, SBI के हिसाब से उसके पास जो टोटल लायबिलिटी है वो है 100 रुपीज़ की, तो उसके पास तो 100 रुपये हैं, ठीक है। प्लस जो ICICI बैंक है उसके पास कितने रुपए हैं? 90 रुपीज़। तो मतलब टोटल जो हमारा M1 है, मतलब मनी सप्लाई थ्रू M1 जो आया है वो है 190 रुपीज़। तो सवाल ये आता है कि हमारे हमने तो यहाँ पर सिर्फ एक 100 रुपीज़ का नोट देखा था स्टार्टिंग में, उसने 190 रुपीज़ कैसे जनरेट कर दिए? इसे ही हम लोग बोलते हैं मनी सप्लाई। और ये 100 रुपीज़ से हम जिस तरीके से 190 तक पहुँचे हैं उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। अब इसका जो सबसे बड़ा रीजन है कि ये जो 100 रुपीज़ हैं 190 कैसे बने, तो इसका आंसर ये है कि जो शुरू में जो 100 रुपीज़ थे वो था फिएट मनी, और जो हमारे बैंक्स के पास जो पैसे हुए जो बैंक ने जनरेट किए वापस से उनको नई करेंसी में, उसको हम लोग बोलते हैं बैंक मनी। तो अपनी सिचुएशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हुआ क्या। मान लो ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन हमारी लंबी कतार में चलती चली जाती है, मतलब लोनिंग जो है 100 रुपीज़ की उसके ऊपर 10% रिजर्व फिक्स रहा, तो आप देख सकते हो फर्स्ट बैंक, सेकेंड बैंक, थर्ड बैंक और एंड बैंक तक टोटल लोनिंग थी वो हो जाएगी 1,000 रुपये की। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो 1,000 रुपीज़ हो जाएंगे अगर हम लोग बैंक्स के थ्रू हम ऐड करते जाते हैं। तो सवाल ये आता है कि यहाँ पर जो हमने 100 रुपये दिए थे वो कन्वर्ट हो गए 1,000 रुपये में और रिजर्व रहा 10% का। तो इससे हम लोग एक मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला निकालते हैं कि मनी मल्टीप्लायर आया कैसे। तो याद रखना कि हर 100 रुपये से हमको कितने रुपये जनरेट हुए बैंकिंग सिस्टम में? 1,000 रुपीज़। तो इसका मतलब है कि मनी मल्टीप्लायर है 10x। ओके, तो मतलब 100 रुपये में 10 की मल्टीप्लीकेशन करी तो आए 1,000 रुपये। अब ये 10 कहाँ से आए, जो 10 नंबर है वो कहाँ से आया? देखो जो 10 था वो हमारा रिजर्व था जो RBI ने लगाया था, जो हमने हाइपोथेटिकल एज्यूम किया था। तो इससे हम जो फॉर्मूला डिराइव करते हैं वो ये है कि मनी मल्टीप्लायर होता है 1 अपॉन रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो, या इनिशियल चेंज इन एक्सेस रिजर्व इनटू एक्चुअल मनी मल्टीप्लायर इक्वल्स एक्चुअल मनी इन दी मनी सप्लाई। मतलब आपको अगर मनी मल्टीप्लायर निकालना है तो 1 अपॉन रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो, मतलब आप 1 अपॉन 10 करोगे तो आपके पास आ जाएगा कि क्या है हमारा मनी मल्टीप्लायर। साथ ही याद रखना हायर द रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो, जितना ज़्यादा रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो होता है, लेसर द एक्सेस रिजर्व, लेसर द बैंक कैन लेंड अलोन। फॉर एग्जाम्पल अगर जो रिजर्व रेशियो होता वो होता 100%, तो क्या करते बैंक अपने आगे कोई लोन दे ही नहीं पाते। जो हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था उसको 100 के 100 रुपए ही अपने अलग से रखने पड़ते, वो कुछ कोई पैसा लोन में ही नहीं दे पाता। तो इससे ये हमारे एग्जाम के लिए जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना ज़्यादा रिजर्व रेशियो होता है उतना कम हमें मनी सप्लाई करने का मौका मिलता है, उतना कम ही हमारा मनी मल्टीप्लायर होता है। और सिमिलरली इसका डायरेक्टली अपोजिट भी होता है कि जितना कम रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो होता है उतना एक्सेस रिजर्व्स होते हैं, उतना एक्सेस बैंक ज़्यादा लेंड कर सकता है, उतना ही हायर मनी मल्टीप्लायर होता है। तो इस करंट सिचुएशन में हमारा मनी मल्टीप्लायर कितना होगा? 1 अपॉन 10, दैट इज 0.1।
बढ़ते हैं लिटरल डेफिनेशन की तरफ कि मनी मल्टीप्लायर होता क्या है। देखो मनी मल्टीप्लायर रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम एक्सटेंट टू विच द मनी सप्लाई इज अफेक्टेड बाय एनी चेंज इन द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, कि आपने जैसे जितने पैसे डिपॉजिट किए उससे पूरी मनी सप्लाई की जो चेन है उसमें कितने पैसों का अंतर आया। इट इक्वल्स रेशियो ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन मनी सप्लाई टू द कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिपॉजिट्स। तो जो रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो होता है उसका फ्रैक्शन होता है, आप देख लो आपकी स्क्रीन पे, बाकी हम लोगों ने समझ ही लिया है। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, वो है लिक्विडिटी। देखो लिक्विडिटी क्या होता है, हमने तीन तरीके के स्टेट ऑफ मैटर पढ़ी थी, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। लिक्विड कहीं भी एडजस्ट हो जाता है, सिमिलरली लिक्विडिटी होती है, जैसे कि टैप में से निकल रहे हैं बहुत सारे बॉन्ड्स। तो यहाँ पर देखो लिक्विडिटी होता है कि जो एसेट है हमारा, जो हमारी जेबों में पैसा है या कोई भी चीज़ है, वो कितनी जल्दी हम लोग उसको मार्केट में सेल आउट करके उसे प्राइस में या मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो लिक्विडिटी होती है वो इमरजेंसी सेविंग अकाउंट भी हो सकते हैं, कैश लाइंग विद अस हो सकता है, हमारे बहुत सारे हमारी चीज़ें हो सकती हैं, मोबाइल हो सकते हैं, जो भी आप समझो उसकी एक पर्टिकुलर एक लिक्विडिटी होती है। साथ ही मार्केट लिक्विडिटी की बात करें तो मार्केट लिक्विडिटी रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच अ मार्केट सच एज कंट्रीज स्टॉक मार्केट और अ सिटीज रियल एस्टेट मार्केट अलाउज एसेट टू बी ब्रॉट और सोल्ड एट द स्टेबल प्राइस। जैसे आज की डेट में जो लिक्विडिटी है हमारी मार्केट की, रियल एस्टेट की बात करें तो बहुत स्लो डाउन चल रही है, क्योंकि कोई ना घर खरीदना चाह रहे हैं ना बेचना चाह रहे हैं, तो इसीलिए बहुत ज्यादा स्लो है। कैश सबसे लिक्विड एसेट होता है, क्योंकि कैश कैश के ऊपर लिखा होता है कि मैं धारक को पैसे देने का वादा करता हूं, जो कि हमारा आरबीआई गवर्नर करता है, तो वो सबसे ज्यादा लिक्विड होता है। जैसे कि और भी चीजें होती हैं, रियल एस्टेट, फाइन आर्ट एंड कलेक्शन, वो कम लिक्विड होती हैं, और हमारे देश में गोल्ड भी बहुत ज्यादा लिक्विड है, याद रखना। साथ ही एक इंपॉर्टेंट चीज एक होता है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, लिक्विडिटी रेशियो रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ लिक्विड एसेट टू द ओवरऑल एसेट, हमारे जेबों में कितना लिक्विड एसेट है अपॉन जो टोटल नंबर ऑफ एसेट है। अगर हम एक फर्म की बात करें जो अपने आप को कहती है कि मैं हाईली लिक्विड हूं, इसका यह मतलब है कि उसके पास जो एसेट है उसको वो इजीली कन्वर्ट कर सकती है कैश के अंदर, पैसों के अंदर। इसके अंदर एक चीज जो बताना चाहता हूं वो ये है कि हमारे देश में जो गोल्ड की इतनी ज्यादा ऑब्सेशन है, हम हर कोई गोल्ड खरीदना चाहते हैं, खासकर हमारे देश की महिलाएं गोल्ड के पीछे पागल रहती हैं, उसका भी सबसे बड़ा रीजन यही है कि गोल्ड बहुत ज्यादा लिक्विड रहता है। हम लोग ये भी सुनते हैं कि गोल्ड खरीद लो बाद में काम आएगा, क्योंकि जब भी चाहो उस गोल्ड को ले जाकर ज्वेलर के पास हम लोग सेल आउट कर सकते हैं और उससे पैसे ले सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग को गोल्ड को खरीदना प्रेफर करते हैं, ठीक है। यही है टोटल कॉन्सेप्ट लिक्विडिटी का। तो आज के लेक्चर को यहीं खत्म करते हुए, उम्मीद है आपको आया होगा मजा। सो थैंक यू फॉर हैविंग मी हेयर गाइस एंड हैव अ गुड डे अहेड।